हे गाइस व्हाट्सअप। सो अभी अभी मेरे भाई किशोर ने मुझे कॉल किया और मुझे बहुत ही उम्दा जोक सुनाया, तो मैं सोचा कि ब्लॉग पे ले लेता हूँ ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि बाद में वो इससे मुकर नहीं पाए। तो कॉल पे है मेरा भाई किशोर। तो सर बोलिए, सर आप क्या बोल रहे थे? हम ब्लॉग बना रहे हैं सर, बोलिए। हेलो, हाँ से बात कर रहे हैं? हाँ आपसे ही बात कर रहे हो और हमारी ऑडियंस से भी बात कर रहे हैं, तो सबको हम बताते हैं कि हमारा भाई कितना अच्छा फुद्दू काटते हैं, तो बताइए। मैं ये बोल रहा, ठीक है आप चल बोल ही रहे थे, इतना प्रेशर कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अपन परसों गोवा चल रहे हैं। ओह देखा सुना आपने, कितना अच्छा जोक मारा न्यू ईयर के टाइम पे, कितना अच्छा जोक मारा, बहुत ही उम्दा जोक था। ये जोक नहीं है सर, आप एक बार मेल तो चेक करिए, आप चेक करते ही नहीं मेल तो आपको पता कैसे चलेगा। ये जो मैं अभी आपको कॉल कर रहा हूँ ना, वो आप कॉल करके मेल को बताते। अच्छा मेल चेक करते? अच्छा आपने मेल किया क्या? मुझे पता नहीं था। चेक करिए, ऑफिशियल मेल आया प्रॉपर। अच्छा ठीक है अभी चेक करता हूँ मैं, रुक जाइए हम अभी चेक करते हैं। तो हमारी फ्लाइट कितने बजे की है बताना जरा हमें सर। हमारी सुबह की फ्लाइट है सर, और आप में आई होप अभी तक आपको पता ही नहीं था, तो आपने पैकिंग करी होगी नहीं, एक दिन का टाइम बचा अपने पास, आपको पैकिंग भी करनी है। अबे साले, तमीज में रह के बात करिए। सॉरी खुशी में थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ। गाइस सच में मुझे मेल आया है, सो और किस रीज़न से हम जा रहे हैं वो भी इधर में मेंशन है, तो ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वहाँ पे मिल के बताऊंगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये वीडियो को हम परसों कंटिन्यू करेंगे सुबह। तो अभी जाते हैं फटाफट से पैकिंग करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है सर। सर आपने पैकिंग कर लिया सर? ठीक है सर, आप भी जाइए पैकिंग करिए, मैं भी पैकिंग करता। ओके सर, यहीं पे नहीं, यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा चलेगा गोवा तक। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं परसों सुबह। हे गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज है 27 दिसंबर एंड अभी जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ, तो आज व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, अभी जाते हैं एयरपोर्ट, बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 7 बजने को है, मेरे को फ्लाइट बोर्ड करना है 8:45 को, तो फटाफट से अभी जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी चेकआउट हो गया है, हमको बोर्डिंग पास मिल गया है, अभी कोलकाता के लिए फ्लाई करने के लिए रेडी है। हमारा फ्लाइट है 8:45 को, सो अभी वेट कर रहे हैं गेट नंबर 3 में। देखा नहीं, आई डोंट नो, गेट नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी सीधा फ्लाइट में बोर्ड करेंगे। और विंडो सीट तो मुझे नहीं मिला, और मुझे लगेज के लिए भी एक्स्ट्रा 400 देना पड़ा, क्योंकि मेरा लगेज हो गया था 15 kg तक अलाउड है, तो 400 एक्स्ट्रा गया, कोई बात नहीं। सो अभी देखते हैं फिर आगे और क्या क्या होता है। सो हमारा गेट नंबर चेंज हो चुका है, अभी गेट नंबर 3 से गेट नंबर 8 में पहुंचा दिया है, सो अभी ऊपर जा रहे हैं। सो गेट नंबर 8 में पहुंचते हैं, देखते हैं और क्या होता है। हे गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, और यहां से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है गोवा के लिए। अभी 45 मिनट्स का हॉल्ट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्लाइट है मेरा 11:20 को। सो अभी दिखाता हूं मैं आपको कोलकाता का एयरपोर्ट, थोड़ा सा वर्कन आउट करते हैं, उसके बाद भूख लगी है मेरे को, तो कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं बाकी और आगे क्या होता है। क्या कर रहे थे? Thank you.
सो ये रहा कोलकाता का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा है और हमको अभी लगी है भूख, तो हम खाएंगे कहीं पे बैठ के। बैठने का जगह देखते हैं, उसके बाद फिर हमको यहाँ ऊपर जाना है, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र इधर जाना है। तो पहले ना हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमको बहुत भूख लगी है, तो खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। दिल्ली का भी देखा है, हाँ रुको। सो खा लिया है, बहुत बहुत खा लिया है, मैं घर से लेके आया था तो वो खा लिया और अभी चल रहे हैं ऊपर। तो देख, हाँ ब्लॉगिंग भी साथ में और फ़ोन भी साथ में, मैं कॉल पे हूँ अभी। हाँ तो बाकी पहुँच के देखते हैं और क्या करते हैं। ऊपर पहुँच गए हैं और अभी डोमेस्टिक ट्रांजिट के वहाँ जा रहे, तो अभी यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, तो फिर चलते हैं आगे। सो आ गया है ऊपर, हो गया है अभी हमारा सिक्योरिटी चेक। अभी ऊपर का आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, और मुझे अभी कहाँ जाना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमको गेट नंबर 23A में जाना है, तो 23A खोजते हैं। और 23A तो मेरे पीछे आप देख सकते हो सेंटा क्लॉस, बहुत ही बड़ा सा सेंटा क्लॉस। हाँ करो करो गाइस करो, देखो गाइस मेरे पीछे बहुत बड़ा सेंटा क्लॉस, जिंगल बेल। तो चलो फिर से कर लेते हैं सिक्योरिटी चेक इन, सब कुछ फिर से निकालना पड़ेगा बैग से। एक बार तो बैग से निकाला फिर घुसाया, अभी फिर निकालना है और फिर घुसाना है। तो फाइनली फिर से मैंने सब कुछ बैग के अंदर डाल दिया है, बहुत ही जद्दोजहद के साथ। बहुत ही ये ट्रबल वाला काम है कि एक बार सारा सामान निकालो फिर घुसाओ फिर निकालो फिर घुसाओ, बट हो गया है। और अभी गेट नंबर हमको ढूंढना है, आई थिंक 23 है मेरा गेट नंबर, 23A, यस 23A आगे है, वो रहा 23A। अभी हम बढ़ रहे हैं 23A की तरफ आगे, और मुझे वॉशरूम भी जाना है, तो देखते हैं वॉशरूम कहाँ पे है। चार्जिंग पॉइंट मिलता है तो कहीं पे बैठ जाएंगे। एक टाइम लैप्स तो दिखा ही सकता हूँ आपको क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो एक टाइम लैप्स लेने का मैं कोशिश करता हूँ और यहीं पे बैठ जाता हूँ और एक टाइम लैप्स ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक छोटा सा टाइम लैप्स ये शॉट के बाद। मैं गेट ढूंढे मेरा फ़्लाइट ही मिस हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोलकाता के एयरपोर्ट में मैं ऐसे मंडरा आ रहा हूं, कोई आइडिया नहीं मैं अभी क्या करूं। देखते हैं फिर आगे और क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पे बैठ के मैं टाइम लैप्स ले रहा था वहाँ पे मेरा गेट नंबर था, बट वो चेंज होकर दूसरा हो गया। कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, एंड वहाँ से मुझे जब पता लगा तब तक 11:30 हो चुका था और मैं दूसरे गेट की तरफ भागा अपना जो भी सामान था वो उठा के। बट उसमें और एक ट्विस्ट मिलेगा आपको, आप वीडियो आगे देखो आपको पता लगेगा। चलो कोई नहीं, न्यू ईयर में एडवेंचर कर रहे हैं हम, फ्लाइट मिस कर दिए, हमारा गोवा जाना कैंसिल हो गया। अब पता नहीं किशोर कैसे रिएक्ट करेगा कि मैं फ़्लाइट मिस कर दिया और अब गोवा नहीं जा पा रहा मैं। वो तो 2 बजे तक मैं पहुँच जाएगा, और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ,
तो गाइस ये रहा मेरा सामान, तो फ्लाइट तो छूट गई बट सामान मिल गया। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे क्या क्या नहीं हुआ इतने आधे घंटे में ना, मैं थोड़ी देर बाद ब्लॉग बनाता हूँ। गाइस 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 क्या बताऊँ मैं आपको, लास्ट 3 घंटे में ना पूरा सीन ही चेंज हो गया है। मैं जा रहा था गोवा और अभी भी मैं हूँ कोलकाता के एयरपोर्ट में ही हूँ अभी भी। क्यों हूँ? बिकॉज मैंने आपको बताया मेरा फ़्लाइट मिस हो गया, फिर उसके बाद मेरा ये लैपटॉप वाला बैग ये भी गुम गया, पूरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर क्या करे, जो स्पॉन्सर थे हमारे उनको मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने फ़्लाइट का टिकट फिर से कर दिया अभी गोवा का। अभी यहाँ से हम जाएंगे बैंगलोर, फिर बैंगलोर से जाएंगे गोवा, ठीक है। और ये बैग भी बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। एक बार सिक्योरिटी के वहाँ जाता, फिर इंडिगो वाले के पास जाता, फिर सिक्योरिटी इंडिगो, इंडिगो सिक्योरिटी, फिर एयरपोर्ट मैनेजर से फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से फिर इंडिगो का एक बंदा मिला मुझे, बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे हेल्प किया और बाकी किसी ने भी उतना हेल्प नहीं किया, वो बंदा बहुत हेल्पफुल था। तो उसी ने मुझे ढूंढ के दिया मेरा बैग एंड उसने मुझे अपना नंबर भी दिया। और तो वही कॉल करके पूछा मैं कहाँ बैठा था, तो मैंने उसको बताया लोकेशन अपना, तो वो जाके अंदर जाके ढूंढ के ये बैग मुझे वापस ला के दिया। और फाइनली अभी मेरे पास नए टिकट्स आ गए हैं। टिकट दोनों मैंने संभाल के रखे हैं इसके अंदर, टाइम भी देख लिया है, 3:50 को बोर्डिंग टाइम है और डिपार्चर है 4:50 और 4:30 ऐसे को है। तो अभी मैं चला जाऊँगा जल्दी, इस बार मिस नहीं करना है फ़्लाइट। एक फ़्लाइट मिस हो चुका है, बहुत भारी पड़ गया, दिमाग ख़राब हो गया, बैग घूम गया और मुझे कुछ नहीं घुमाना है, अभी आराम से जाना है, सीन कुछ चेंज नहीं करना है। और किशोर तो पहुंच चुका है और तो फिर ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग पे मज़ा आएगा। अभी यहाँ से मैं बैंगलोर ट्रैवल करूँगा, आई डोंट नो कि मैं ब्लॉग करूँगा कि नहीं, बट देखते हैं, अगर करूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ब्लॉग बना रहा हूँ, तब भी दिमाग ख़राब हो गया था बट फिर भी ब्लॉग किया और अभी भी कर रहा हूँ। अभी तो चलो थोड़ा शांत हो गया है मूड, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि नहीं, और वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन स्टे सेक्सी, पीस आउट।